जाम धूल मिट्टी से जूझ रही मंडी के शहर के लोगों को कम से कम 3 माह तक इस समस्या से जूझना पड़ेगा। शहर में महत्वाकांक्षी उहल परियोजना की पाइपलाइन बिछाने का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है, जिसके लिए आईपीएच विभाग ने जनता से सहयोग की अपील की है। शहर में महत्वाकांक्षी उहल परियोजना की पाइपलाइन बिछाने का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है, लेकिन निर्माण कार्य के साथ पैचवर्क न होने से राहगीरों और शहरवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग सड़क के बीचों बीच लाइन बिछा रहा है, इसके चलते यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। आईपीएच विभाग के अधिशांशी अभियंता राजकुमार सैनी ने बताया कि रात को ठंड अधिक होने के कारण काम नहीं हो रहा है, जिसके लिए दिन में काम सुचारू रूप से चलाया गया है, जिस कारण लोगों को असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही वह शहर में कार्य पूरा कर शहर की गलियों में कार्य को अंजाम देंगे। ये जो कार्य आप देख रहे हैं, ये जो मंडी शहर के लिए जो 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने वाली स्कीम जो उल नदी से बनने वाली थी, उसके तहत ही कराया जा रहा है। तो इसके तहत जो है मंडी शहर के अंदर लगभग 75 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क बिछनी है सारे वार्ड में मिला के, कुछ और आसपास के जितने भी गांव के एरिया हैं, जैसे तलाड हो गया, बिजनी हो गया, नेला और अपना भिवली वगैरह, इन सब में लगभग 75 किलोमीटर पाइप नेटवर्क बिछना है हमारा। ये कार्य आजकल शहर में चला हुआ है, पहले इस कार्य को हम रात को कर रहे थे। रात को बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से सवेरे को बिल्डिंग टूट रही है। रात को जो बेल्डिंग करते थे उसमें फ्यूजन प्रोसेस प्रॉपर न होने की वजह से बेल्डिंग सुबह टूट जाती थी, तो इसलिए मजबूर ने काम दिन को हाथ में लेना पड़ा। इसके लिए हम डी सी साहब से बात करी थी, इनसे परमिशन ली थी। लोगों को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए हम लोगों से आग्रह करते हैं कि कुछ दिन इसको कार्य करने में लगेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शहर का जो मेन रोड का एरिया है यहाँ से बाहर निकल जाए और गलियों में अपना काम शुरू कर दें। गलियों में शायद इतनी असुविधा नहीं होगी लोगों को, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, पैदल होते हैं, पैदल आदमी निकल जाते हैं साइड से। तो अभी तो मुझे लगता है 10 दिन हमें लग जाएंगे इस कार्य को यहाँ से ख़त्म करने में। ये इस कार्य की लागत जो है 80 करोड़ रुपये है कुल, पूरी लागत जो है इसकी। आईपीएच विभाग ने जनता से सहयोग की अपील की है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी।